थोड़ी बहुत कासुनी की सूचना मिलने के अलावा ऐसी कोई बड़ी घटना गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में घटित नहीं हुई, लेकिन तकरीबन 4:30 बजे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पी यादव कुछ लोगों को पकड़कर थाने ले गए और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई कि वे उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं के पी यादव इस वीडियो में यह भी कहते सुनाई दे रहे कि सिंधिया के कई लोग ग्वालियर से आज गुना में रुके हुए हैं, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं देखा जा रहा था कि पूरे चुनाव सत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से भारी व्यक्ति गुना में मौजूद रहे। जिसको मैंने कलेक्टर मैडम से बात कराई, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुझे गोली से उड़ा दूंगा, और इनको गाड़ी में से अंदर से खींचा बड़ी मुश्किल से, एसपी साहब को फोन लगाया बड़ी मुश्किल से, दौड़ दौड़ के पकड़ा है इनको हमने। और तो सिंधिया जी ने चुनाव को मजाक बना रखा है, पूरे ग्वालियर चंबल भिंड के लोग यहाँ रुके हुए हैं, प्रद्युम्न तोमर सिंह यहाँ रुके हुए हैं गुना में, ये रुके हुए हैं, अलविंद सिंह गोरैया यहाँ रुका है, 24 घंटे ये लोग लोगों को डरा धमका रहे हैं, बंदूकों लेकर ये प्रत्याशी पे गोलियां चलाने की बात कह रहे हैं कि हम बंदूक से उड़ा देंगे, तो ये क्या, ये यहाँ क्या कर रहे थे? पूरी गाड़ियां ग्वालियर की, मैं कह रहा हूँ पूरे जिले के नाकों पे आप चेक करो ग्वालियर की कितनी गाड़ियां यहाँ घूम रही है और किस किस के रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, पूरा सिंधिया जी ने कैप्चर कर रखा है, पूरे गुंडे उनके बंदूक लेके घूम रहे हैं और मेरे साथ इनकी हाथापाई हुई है। मुझे उस आदमी ने गिटका सा था इनके साथ था, उस आदमी ने बोला मुझे तुझे गोली से उड़ा दूंगा, मैंने उसकी कलेक्टर मैडम से बात कराई, मुझे लगा कि वो गुड्डू चौहान है और इन्होंने ये पीछे धुके हुए थे, इन लोगों ने वहां पे लोगों को धमकाया और मुझे तक बोला कि गोली से उड़ा देंगे, क्या कर रहा है तू, इस तरह से आप चुनाव करा रहे हो, आप गलत भ्रम, हजारों गाड़ियां इनकी घूम रही है, आप दोनों यहाँ पे आप कैसे आए, आपको यहाँ पुलिस को पकड़ के लाई फिर आप कौन लोग पकड़ के लाए, आपने नहीं पकड़ा, मेरे पास साफ वीडियो है पकड़ के लाए हैं आपको, हटा हुआ यहाँ से।